सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल व्यक्तित्व टेक्निक। तो अभी आप लोगों ने जो प्रभु में वीडियो को देखा है, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरीके से ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग प्रभु के जैसा सेम टू सेम सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, जिससे कि आप इस तरह का ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस चुटकियों में एडिट करना सीख जाए। चलिए अपनी वीडियो को यहां से स्टार्ट करते हैं। एंड उसी के साथ गाइस, इसमें जितने भी मटेरियल यूज करूंगा इस वीडियो को बनाने के लिए, सभी का डाउनलोड फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूं, वहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। चलिए अपनी वीडियो को यहां से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक करके चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना BN एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यार ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक वीडियो का ऑप्शन दिया जाता है, एक फोटोज का ऑप्शन दिया जाता है। तो फोटो के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको अपना 6 फोटो ऐड कर लेना है। जैसे कि आपको दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मैं ये 6 फोटो ऐड कर रहा हूँ। आपको अगर ये फोटो लेना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसे ले सकते हैं। 6 फोटो मैं यहाँ से ऐड कर ले रहा हूँ। ऐड करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ये आपका VN ऐप के अंदर आ जाएगा। अब आने के बाद यहाँ पर आप लोग ऊपर साइड में ओरिजिनल के ऑप्शन पर क्लिक करना एंड साइज को आप लोग 9x16 करके एक बार आप लोग स्क्रीन पर टाइप कर देना। अब इतना हो जाने के बाद लास्ट में आना, यहाँ पर एक वाटरमार्क दिखेगा ब्लैक कलर का। इस वाटरमार्क का हमें कोई काम नहीं रहता है, तो इसको यहाँ से क्लिक करिएगा एंड यहाँ से आप लोग डिलीट कर देना। अब वाटरमार्क डिलीट करने के बाद वीडियो के फर्स्ट में आना एंड अपनी फोटो पर क्लिक करके हर एक फोटो का ड्यूरेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना। कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी फोटो पर क्लिक करना एंड फोटो का ड्यूरेशन आप लोग यहाँ से इंक्रीज कर लेना, लाइक यहाँ से थोड़ा थोड़ा आप लोग बढ़ा लेना। इसी तरह आप लोग फोटो का ड्यूरेशन सब बढ़ा लेना। बढ़ाने के बाद अब आपको वीडियो के फर्स्ट में आना है। अब आपको अपनी फोटो पर क्लिक करना है एंड अपनी फोटो को थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग करना है। तो उसके लिए आपको नीचे साइड में ही थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक टूल दिखेगा आपको फिल्टर का, फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड यहाँ पर एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करना। यहाँ पर बहुत सारा टूल दिखेगा, यहाँ पर बिग्निटी वाले ऑप्शन पर आना एंड बिग्निटी पर क्लिक करके यहाँ पर बिग्निटी को फुल करके यहाँ से आप लोग अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब इतना हो जाने के बाद दोबारा से फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना एंड यहाँ पर एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना। यहाँ पर आप लोगों को एक सेचुरेशन का टूल दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक करना एंड क्लिक करने के बाद सेचुरेशन को एकदम माइनस करके यहां से आप लोग डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, डबल टिक वाले ऑप्शन पर अप्लाई टू ऑल वाले पे। अब आपका फोटो यहां पर थोड़ा बहुत कलर ग्रेड हो गया है, इतना आपको यहां पर कर लेना है। गाइस इतना हो जाने के बाद अब आपको वीडियो के फर्स्ट में आना है। यहां पर आप लोगों को एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड करना है। इसका डाउनलोड फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूं, पीछे ही मैं बोल दिया हूं, सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ग्रीन स्क्रीन वीडियो को। डाउनलोड करने के बाद यहां पर आपको ऐड करना है, तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए एंड वीडियो फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी गैलरी से यहां से ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लीजिए। वीडियो पर क्लिक करिए एंड ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद यहां पर नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना, यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा फिल का, तो फिल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इसको यहां से फुल स्क्रीन में कर लेना है। अब गाइस इतना हो जाने के बाद यहां से आप लोग अपनी वीडियो को प्ले करना कुछ इस तरीके से। प्ले हो जाने के बाद जहां पे पूरा ग्रीन हो जाता है कुछ इस तरीके से, यहां पर आपका पूरा ग्रीन हो गया है कुछ देख सकते हो, यहां पर इतना आपको ग्रीन कर लेना है। ग्रीन करने के बाद यहां पर स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से इसको स्प्लिट करना है एंड इस वाले पार्ट को आपको डिलीट कर देना है। यहां से कुछ इस तरीके से आपका दूसरा फोटो यहां पर आ जाएगा एंड यहां पर आपको देख लेना है पूरा ग्रीन जहां पे हो जाए, कुछ इस तरीके से आपको यहां पर ग्रीन पर रोकना है एंड यहां पर स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले पार्ट को आपको डिलीट कर देना। इसी तरह आपने 6 फोटो ऐड किया है, 6 फोटो को आपको यहां पर ग्रीन के हिसाब से आपको कट कर लेना। कुछ इस तरीके से आपका ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद यहां पर आपको स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहां पर आपको फोटो को कट कर लेना है। गाइस जल्दी से यहां से मैं स्प्लिट कर दे रहा हूं एंड सारे फोटो को यहां पर मैं एडजस्ट कर ले रहा हूं। आप लोग भी इसी तरह वीडियो को प्ले करिएगा एंड जहां पर आपका पूरा ग्रीन हो जाए यहां पर आपको रोकना है अपनी वीडियो को एंड कुछ इस तरीके से आपको स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आपको फोटो को कट कर लेना है। गाइस देख सकते हो मैंने सारे फोटो को कट कर लिया है ग्रीन स्क्रीन के हिसाब से। यहाँ पर आप लोग भी इसी तरह करिएगा एंड लास्ट का जो फोटो आपका बचेगा फोटो पर क्लिक करना एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको फोटो को रिमूव कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको ग्रीन स्क्रीन के बराबर फोटो को कर लेना है। तो गाइस इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर फर्स्ट में आना है एंड यहाँ पर अपनी वीडियो को प्ले करना है कुछ इस तरीके से। एंड प्ले करने के बाद यहाँ पर अपनी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो पर क्लिक करना, नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा क्रोमा का, तो क्रोमा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड यहाँ पर इस प्लस वाला आइकन जो दिख रहा है इसको आपको यहाँ पर ब्लू वाले ऑप्शन पर ऐड करना है।
देन यहाँ पर आपको इंटेंसिटी को फुल करना है एंड स्पीड को भी फुल करके राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इस वाली वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। एक बार स्क्रीन पर टैप करना है देन ऊपर साइड में यहाँ पर एरो के ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाली वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना है एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। आपका वीडियो यहाँ से सेव हो रहा है, सेव होने में थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पर आप लोगों को वेट कर लेना है। तो गाइज देख सकते हो जैसे कि हमारा वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया है, अब आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यार क्लिक करने के बाद यहाँ से अब आपको इसी वीडियो पर दोबारा से क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को अब ग्रीन स्क्रीन वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देना है। यहाँ पर क्लिक करना एंड ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को डिलीट कर देना। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने जितना भी एडजस्टमेंट अपनी फोटो में किए थे ना यहाँ पर रिमूव कर देना। तो फोटो पर क्लिक करना एंड दोबारा से यहाँ पर आपको फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड कुछ इस तरीके से आपने सेचुरेशन को बढ़ाया था तो सेचुरेशन को आपको जीरो कर देना है, कुछ इस तरीके से आपको जीरो कर देना है एंड यहाँ पर आप लोग इसको अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर फिल्टर के ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करना, यहाँ पर आपने बिग्निटी को भी बढ़ाया था तो बिग्निटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना कुछ इस तरीके से यहाँ पर एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग बिग्निटी को एकदम माइनस कर देना, जीरो कर देना, एकदम जीरो करके यहाँ पर अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो गाइस इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोग दोबारा से फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना एंड यहाँ पर एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आप लोग सेचुरेशन को ना यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ा लेना, कुछ इस तरीके से आपको सेचुरेशन को बढ़ा लेना, कुछ इतना आपको बढ़ाना है एंड यहाँ पर अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पर। अब आपका फोटो यहाँ से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो गया है, आप देख सकते हो इसी तरह आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना अपनी फोटो को। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर उसी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एक्सपोर्ट किया था, तो उस वाली ग्रीन स्क्रीन वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है। तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना एंड यहाँ पर वीडियो फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, आपकी गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगी। अभी आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था वो वीडियो आपका यहाँ पर रखा हुआ है, इसको यहाँ से ऐड कर लेना यार। ऐड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना, यहाँ पर फील वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ से फुल स्क्रीन में कर लेना एंड नीचे साइड में थोड़ा सा यहाँ पर अपने वीडियो को प्ले करना कुछ इस तरीके से एंड नीचे साइड में स्क्रॉल करना। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा क्रोमा का, तो क्रोमा वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद इस प्लस वाले आइकन को उठा के अब की बार में इसमें आपको ग्रीन स्क्रीन वाले पे ऐड करना है एंड ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लोग इंटेंसिटी को बढ़ा लेना, लाइक यहाँ पर 52 कर लेना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर स्पीड को आपको माइनस करना है, करीब यहाँ पर 42 आपको कर लेना है। देन इतना हो जाने के बाद यहाँ से आप लोग राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपका ग्रीन स्क्रीन जो था बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से रिमूव हो गया है। तो गाइस इतना हो जाने के बाद अब आपको वीडियो को फर्स्ट में आना है एंड यहाँ पर आप लोगों को एक पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को ऐड करना है। इसका डाउनलोड फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग पहले डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ऐड करना है, तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करिए एंड वीडियो फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, आपकी गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगी। अपनी गैलरी से इस वाली पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना, यहाँ पर फील वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ से फुल स्क्रीन में कर लेना एंड नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना, यहाँ पर ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक करना एंड यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करके राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ये पार्टिकल इफेक्ट वीडियो आपका बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो गाइस इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे आना है एंड अपनी वीडियो को देखोगे जो आपने पार्टिकल इफेक्ट वीडियो ऐड किया था वो फुल वीडियो में नहीं लगा हुआ है, इसको यहाँ से क्लिक करना एंड यहाँ पर एक डुप्लीकेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको डुप्लीकेट करना एंड इसको पकड़ना एकदम लास्ट में लेके आना एंड यहाँ पर आपको जो पार्टिकल इफेक्ट यहाँ से एंड होता है यहाँ पर क्लिक करना एंड नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करके स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ से स्प्लिट करके डिलीट कर देना। अब आपका जो पार्टिकल इफेक्ट था बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से लग जाएगा एंड पूरे में भी लग जाएगा। तो इतना आपको कर लेना गाइस। इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर सॉन्ग को ऐड करना है, तो सॉन्ग को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके बाद आपको ऐड करना है, तो टैप टू ऐड म्यूजिक वाले ऑप्शन पर ऊपर साइड में क्लिक करिए एंड म्यूजिक के ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करिए, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। माय म्यूजिक के ऑप्शन पर जाइए एंड जहां कहीं भी आपका डाउनलोड सॉन्ग रखा हो वहां पर क्लिक करिए एंड यूज के ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहां से नीचे साइड में डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इस वाले सॉन्ग को ऐड कर लीजिए। तो गाइस सॉन्ग को ऐड करने के बाद गाइस इसमें आपको एक इफेक्ट को और ऐड करना है, तो यहां पर आप देख सकते हो छोटे छोटे प्लस के आइकन दिख रहे हैं, तो यहां पर आप लोग किसी एक प्लस के आइकन पर क्लिक करना एंड नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना, यहां पर आप लोगों को एक व्हाइट वाला इफेक्ट दिखेगा, इस पर आप लोग सेलेक्ट करना। देन यहां से आप लोग अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। गाइस अब आप देख सकते हो आपका वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से बन गया है, जिस तरह का वीडियो आपने प्रभु में देखा था सेम टू सेम। यहां से मैं एक बार वीडियो को प्ले करता हूं एंड आपको दिखाता हूं। तो गाइस देख सकते हो हमारी वीडियो कंप्लीट बनके रेडी हो गई है। अब इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना है, तो ऊपर साइड में यहाँ पर एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड इसके बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना एंड वहां से किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर इसको अपलोड करना। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं या फिर इस वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर एंड बाय।